गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसे हम CPM भी कहते हैं। दिस मेथड इज बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट सेपरेट्स प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। ये एक नेटवर्किंग सिस्टम है जो मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, जहाँ पे we schedule the each activity and we can calculate the time for the time required for the completion of the project. तो इसमें पूरा डिटेल में आपको नेटवर्किंग बना के हर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन इसमें ट्रेस किया जाता है। इट ऑल्सो क्लैरिफाइज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। ये टाइम और कॉस्ट के बीच में भी इंटर रिलेशनशिप डिफाइन करता है और उसको हम कैलकुलेट करते हैं। CPM इवेल्युएट्स ऑल द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव प्लान्स फॉर प्रोजेक्ट एंड एसोसिएट ईच प्लान विद द शेड्यूल। अब जो क्रिटिकल पाथ मेथड है, इसको यूज करते हुए हम किसी एक प्रोजेक्ट को करने की नेटवर्किंग के थ्रू डिफाइन करके कई मेथड्स निकाल सकते हैं, कई मेथड्स के थ्रू हम देख सकते हैं और फिर हमारी प्रोजेक्ट के टाइम लिमिट और उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड हमको पाथ है, नेटवर्किंग पाथ, उसको चूज करके उस ऑर्डर में आपका प्रोजेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज मैथमेटिकल बेस्ड एल्गोरिदम फॉर शेड्यूलिंग अ सेट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो क्रिटिकल पाथ एक पाथ मेथड बेसिकली एक मैथमेटिकल मेथड है शेड्यूलिंग का, डिफरेंट एक्टिविटीज को शेड्यूल करना किसी प्रोजेक्ट की। क्रिटिकल पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज बिटवीन अ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट एंड फिनिश दैट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट। बेसिकली अब क्रिटिकल पाथ मेथड में हम क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। अब क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ एक वह पाथ है जिसमें कि आपकी एक्टिविटीज का स्टार्ट और फिनिश होने में सबसे लंबा टाइम लगता हो, उससे अधिक टाइम नहीं लग रहा हो, तो वो जो पाथ आपका हो जाएगा वो क्रिटिकल हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप उसमें अगर टाइम लगेगा तो दैट विल फर्दर डिले योर प्रोजेक्ट टाइम। क्रिटिकल पाथ मेथड इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये तो मैंने आपको बताया अभी कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बेस्ड होता है और एक तरीके से एक्टिविटीज का शेड्यूलिंग करता है। द इनिशियल क्रिटिकल पाथ मेथड वाज यूज्ड फॉर मैनेजिंग प्लांट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। तो बार चार्ट्स के बाद में क्रिटिकल पाथ मेथड हमारे एग्जिस्टेंस में आया एंड इनिशियली ये मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स के काम में आता था। देन नाउअडेज इट इज वेरी वाइडली और extendedly used for the construction management as well as other such management. Critical path is the sequential activities from start to end of the project that we have talked about. अभी हमने बोला कि critical path वह है जिसपे कि सारा एक sequence में activities का start to end तक जो longest time लेती हैं उनको mention करता है। Although many projects have only one critical path. अब जो हम प्रोजेक्ट करते हैं बेसिकली हम इस क्रिटिकल पाथ मेथड के थ्रू क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। कई प्रोजेक्ट्स में हो सकता है कि एक ही पाथ होता हो, बट कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपके पास एक से अधिक पाथ मिल जाए। देन इट डिपेंड्स अपॉन कि वॉट काइंड ऑफ फ्लो लॉजिक यूज किया गया है इस क्रिटिकल पाथ के लिए। जब हमने मेथड्स क्रिएट किए हैं तो वो कौन कौन सा सीक्वेंस आपने एक्टिविटीज का अलग अलग उसमें रखा है, आपने क्या सीक्वेंस बनाया, उस पर डिपेंड करता है कि एक या एक से अधिक क्रिटिकल पाथ भी हो सकते हैं किसी नेटवर्क के। टर्मिनोलॉजीज यूज इन क्रिटिकल पाथ मेथड। सो आई थिंक वी गेट अ बेसिक आइडिया कि क्रिटिकल पाथ मेथड बेसिकली है क्या। एक नेटवर्किंग मैथमेटिकल मेथड है जिस एक्टिविटीज को मेंशन करने का विद देयर ड्यूरेशन एंड विद देयर सिक्वेंशियल ऑर्डर, सो वी कैन फाइंड आउट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी और टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। देन कम्स कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी टर्म्स हम इसमें यूज करते हैं।
बेसिकली हम क्रिटिकल पाथ मेथड में मैंने अभी बहुत बार यूज किया एक्टिविटी. एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी कैरीज द एरो सिंबल. इसको एक एरो सिंबल से शो किया जाता है और दिस रिप्रेजेंट्स द एनी टास्क और सब प्रोजेक्ट दैट यूजेस टाइम और रिसोर्सेस. कोई ऐसा आपका टास्क प्रोजेक्ट के अंदर छोटे छोटे टास्क जिससे आपका प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है. जैसे कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो एस्केवेशन करना, अर्थवर्क या एस्केवेशन जो है दैट इज एन एक्टिविटी. देन उसके बाद में आप अगर फाउंडेशन वर्क है दैट इज अनदर एक्टिविटी. तो इस तरीके से एक्टिविटीज होती है और इनको एरो सिंबल से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इज इवेंट. इवेंट को हम सर्कल से डिनोट करते हैं एंड इट मार्क्स द स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी विच कंटेन अ नंबर दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई इट्स लोकेशन. तो इवेंट इज बेसिकली इट इज दैट पर्टिकुलर टाइम वेयर वी आर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी. तो स्टार्ट ऑफ एनी एक्टिविटी इज इवेंट. डमी एक्टिविटी, एन एक्टिविटी विच इज यूज टू मेंटेन द प्री डिफाइंड प्रेसिडेंस रिलेशनशिप ओनली ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड डमी एक्टिविटी. तो डमी एक्टिविटी से हम क्या समझते हैं, ये बेसिकली एक सीक्वेंस या आपके फ्लो जो आप बना रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, उस नेटवर्क को लॉजिकल लॉजिकल कनेक्शन देने के लिए ही बस डमी एक्टिविटीज को डैश डैश की लाइन से दर्शाते हैं विद एरो. और इसमें कोई आपका ड्यूरेशन यूज नहीं हो रहा है, इसमें ना आपका कोई ड्यूरेशन यूज होता है एज वेल एज ना आपका कोई रिसोर्स या आपका साधन लाइक मटेरियल काम में आता है. इट इज ओनली शोइंग यू बेसिकली अ डमी थिंग. इट इज इमेजिनरी, नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑन द साइट एंड ऑब्वियसली इसमें कोई ड्यूरेशन कंज्यूम नहीं होता. देन पैरेलल एक्टिविटी. देर आर टू एक्टिविटीज विच बींग एट सेम इवेंट एंड एट सेम इवेंट दिस एक्टिविटी आर कॉल्ड एज पैरेलल एक्टिविटी. लाइक एनी टू एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम तो वो एक्टिविटीज पैरेलल एक्टिविटी कहलाती है. क्रिटिकल पाथ. अ क्रिटिकल पाथ इज द सीक्वेंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज दैट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस पाथ बिटवीन स्टार्ट टू एंड. तो जब न्यूमेरिकल आप करेंगे देन यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिटिकल पाथ. बेसिकली क्रिटिकल पाथ उन एक्टिविटीज का नेटवर्क है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो एक्टिविटी है वहाँ पे आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज है. वो क्रिटिकल एक्टिविटीज मतलब नो अदर फ्लोट इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज इज अलाउड. एक्टिविटीज हैज टेकन लॉन्गेस्ट टाइम और फिर उसके सीक्वेंस से जो पाथ नेटवर्क बनता है, पाथ बन रहा है सच क्रिटिकल एक्टिविटीज का पाथ, वही आपका क्रिटिकल पाथ कहलाता है. अब जो क्रिटिकल पाथ मेथड में फॉरवर्ड पास और एक बैकवर्ड पास मेथड यूज किया जाता है जिसके थ्रू अर्लीएस्ट फिनिश टाइम, अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीएस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट किया जाता है और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट किया जाता है. तो जो अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम होता है और या फिर अर्लीएस्ट फिनिश टाइम होता है वह फॉरवर्ड मेथड से यूज किया जाता है. और इसमें अगर एक से अधिक आपके अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम मिल रहे हैं किसी एक्टिविटी को तो जो मैक्सिमम होता है उसको कंसिडर किया जाता है. एंड सिमिलर काउंटरली अगर हम बैकवर्ड पास मेथड में देखें तो जब आपकी किसी एक्टिविटी के लिए आपको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करना है तो इस बैकवर्ड पास मेथड का यूज किया जाता है. और इसमें अगर किसी एक एक्टिविटी को एक से अधिक लेटेस्ट स्टार्ट टाइम या फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम मिल रहे हैं तो जो मिनिमम होगी वो वैल्यू इसके लिए यूज में ली जाएगी. तो इस तरीके से बेसिकली अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीएस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम को कैलकुलेट किया जाता है. देन कम्स फ्लोट एक्टिविटी.
Slot activity for an activity is the difference between its earliest start time and latest start time. तो फ्लोट क्या होगा, आपने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट कर लिया, देन आपने लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भी कैलकुलेट कर लिया फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड से अकॉर्डिंगली, देन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव यू फ्लोट इन द एक्टिविटी. इसका मतलब ये है कि जितने भी आपको इनके बीच का जो डिफरेंस मिलेगा दैट इज अलाउड allowed relaxation on the part of activity, कि आप इन activity में इतने duration की ढील दे सकते हो, उससे आपका basically project का जो overall timing है वो effect नहीं होगी. तो इससे कहने का क्या मतलब है, जो critical activities हैं उनका float value क्या होगा, zero. उनमें तो float हम दे ही नहीं सकते because they are already consuming the maximum or longest time given to. तो अ क्रिटिकल पाथ इज अ पाथ ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश विद जीरो फ्लोट टाइम्स. जिनको फ्लोट टाइम जीरो मिलेगा, हर क्रिटिकल एक्टिविटी का फ्लोट वैल्यू जीरो होगी और इन क्रिटिकल एक्टिविटीज को कनेक्ट करके जो स्टार्ट से एंड तक एक पाथ बन रहा है वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा. तो बेसिकली इस तरीके से आपका क्रिटिकल पाथ मेथड कैलकुलेट क्रिटिकल पाथ मेथड के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है. थैंक यू.